Hello students, how are you? I think you will be fine. Students, आज हम characteristics of statistics in plural sense इसके बारे में बात करेंगे, यानी plural sense में statistics की क्या features हैं, characteristics हैं, वो हम बात करेंगे. तो इसमें जो जो इसके features हैं उनको क्रमवाइज रखा गया है. तो पहला हम इसमें शामिल करते हैं एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स. एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ए सिंगल नंबर डज नॉट कंस्टिट्यूट स्टैटिस्टिक्स. मतलब एक सिंगल नंबर अगर है कोई तो उसे हम स्टैटिस्टिक्स, यानी सिंगल नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसको स्टैटिस्टिक्स नहीं कह सकते. क्यों नहीं कह सकते? नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम इट, क्योंकि इससे कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है, कोई कंक्लूजन हम इससे नहीं ले सकते हैं. ओनली द एग्रीगेट नंबर ऑफ फैक्ट्स इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स. केवल जो सेट है फैक्ट्स का, सेट एग्रीगेट जो है, उसे ही हम स्टैटिस्टिक्स कह सकते हैं. क्यों कह सकते हैं? द सेम कैन बी कंपेयर्ड एंड कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम इट, क्योंकि इसका तुलना भी की जा सकती है और इससे निष्कर्ष भी निकाले जा सकते हैं. अब फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं, मान चलिए आप ये कह लेते हैं कि आपके स्कूल में या आपके कॉलेज में 1000 स्टूडेंट्स, देर आर 1000 स्टूडेंट्स इन योर स्कूल. तो ये स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं है इसका, कोई इससे कोई निष्कर्ष भी आप नहीं निकाल सकते हैं, कंपेयर भी नहीं कर सकते हैं. लेकिन अगर इसी चीज़ को हम दूसरे तरीके से ये कह दें कि हमारे स्कूल में, इन आवर स्कूल देर आर 300 स्टूडेंट्स इन आर्ट फैकल्टी, 400 स्टूडेंट्स इन कॉमर्स फैकल्टी एंड 300 स्टूडेंट्स इन कॉमर्स साइंस फैकल्टी. अब ये स्टैटिकल सिग्निफिकेंस रखता है, इससे हम कंपेयर कर सकते हैं, इससे हम कोई ना कोई निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं. दूसरा है नंबर टू में कह रहा है न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड. न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड यानी इसको संख्यात्मक रूप में व्यक्त किया जा सकता है. स्टैटिस्टिक्स आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स. क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स लाइक स्मॉल, बिग, रिच, पुअर, ईटीसी आर नॉट कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक्स एक्सप्रेस करने के लिए हमें नंबर्स की जरूरत पड़ती है. नंबर्स से ही एक्सप्रेस करने के बाद उसे हम स्टैटिस्टिक्स कह सकते हैं. क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, जैसे हम ये प्रयोग कर देते हैं स्मॉल है, बिग है, रिच है, पुअर है, इन शब्दों का स्टैटिस्टिक्स में यूज नहीं होता है. फॉर एग्जांपल अगर आप ये कहें कि इरफान पठान इज टाल देन सचिन, तो ये स्टैटिस्टिकल सेंस नहीं है इसकी, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं है. इसी चीज़ को आप इस तरह कहें इरफान पठान इज 6 feet and 2 inches एंड दैट ऑफ सचिन इज 5 feet 4 inches. अब यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यूज आ गई कंपेयर करने के लिए, तो अब ये स्टैटिस्टिक्स है, तो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड किए जाते हैं. तीसरा है अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस. मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस, स्टैटिस्टिक्स आर नॉट अफेक्टेड बाई ए सिंगल फैक्टर बट आर इन्फ्लुएंस्ड बाई मैनी फैक्टर्स. हैड दे बीन अफेक्टेड बाई एनी वन फैक्टर अलोन देन बाई रिमूविंग दैट फैक्टर दे वुड लोज ऑल देयर सिग्निफिकेंस. मतलब वही आंकड़े स्टैटिस्टिक्स हो सकते हैं जो बहुत से कारणों से प्रभावित होते हैं, मैनी फैक्टर्स इन्फ्लुएंस दैम. अगर एक ही कारण से कोई आंकड़ा प्रभावित हो रहा है तो उसे हम स्टैटिस्टिक्स नहीं कह सकते. फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम ये कहें कि 30% राइज है कि प्राइसेस में, तो उसके मैनी रीजंस हो सकते हैं. प्रोडक्शन की सप्लाई में कमी हो सकती है, डिमांड में इंक्रीज हो सकती है, शॉर्टेज ऑफ पावर हो सकती है, राइज इन वेजेस हो सकती है. इस तरह से कई कारणों से प्रभावित जो वैल्यूज होती हैं, डाटा होता है, उसे ही हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं. नेक्स्ट है रीजनेबल एक्यूरेसी. जो डाटा है हमारी स्टैटिस्टिक्स है उसमें रीजनेबल एक्यूरेसी का होना जरूरी है.
a reasonable degree of accuracy must be kept in view at the time of collecting statistical data, depending on the purpose of investigation, its nature, size and available resources. यानी जो उसमें स्टैटिस्टिक्स हम जो कलेक्ट करते हैं, डाटा जो कलेक्ट करते हैं, उसमें एक्यूरेसी होना बहुत ज़रूरी है. और ये एक्यूरेसी डिपेंड करती है कि इन्वेस्टिगेशन का पर्पस क्या है, इसकी नेचर क्या है, साइज क्या है और हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज क्या है. नेक्स्ट है प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर. स्टैटिस्टिक्स उन्हें ही कह सकते हैं जो म्यूचुअली रिलेटेड हों और कंपेरेबल हों. अगर उनमें कंपेरिजन नहीं उनका किया जा सकता है तो स्टैटिस्टिक्स नहीं हो सकता. यहाँ आप एग्जांपल ले सकते हैं. मान चलिए हमारे पास स्टैटिस्टिक्स में है राम इज 40 ईयर्स ओल्ड, मोहन इज 5 फीट टॉल, सोहन इज 60 केजी ऑफ वेट. अब यहाँ तीनों की यूनिट अलग अलग हैं, इनको कंपेयर नहीं किया जा सकता. या तो हमें तीनों का वेट दिया होता, तीनों की एज दी होती या तीनों की हाइट दी होती, तब इसे हम स्टैटिस्टिक्स कह सकते थे. नेक्स्ट है प्री डिटरमाइंड पर्पस. यानी जब भी हम स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करते हैं तो उसके लिए एक प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्ट होता है. स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड विद प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव. एनी इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड विदाउट एनी डेफिनाइट पर्पस विल बी ओनली ए न्यूमेरिकल वैल्यू, नॉट स्टैटिस्टिक्स. यानी अगर हमारा उस डाटा से, न्यूमेरिकल वैल्यू से रिलेटेड कोई पर्पज़ नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो उसे हम स्टैटिस्टिक्स नहीं कह सकते हैं. मान के चलिए आप किसी विलेज के फार्मर्स के संबंधित कोई डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो आपके पीछे कोई ना कोई पर्पज़ होता है. आप उनकी इकोनॉमिक पोजिशन जानना चाहते हैं, उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड जानना चाहते हैं, उनकी पॉपुलेशन कितनी है वो जानना चाहते हैं, तो उसके लिए कोई ना कोई पर्पज़ हमारे पास होता है. तो उसके बाद आता है, इसको कलेक्ट करने के लिए हम दो विधियों का प्रयोग करते हैं, एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड. अब दो पर्पज़ हैं, दोनों पर्पज़ों में क्या है कि दो पर्पज़ हैं. एन्यूमरेटेड मेथड जब सूटेबल होता है, जब हमारे पास जो इंक्वायरी का फील्ड है वो शॉर्ट हो, शॉर्ट फील्ड है, तो हम एन्यूमरेटेड मेथड यूज़ करते हैं. जैसे आप ये कह सकते हैं देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन प्रेजेंट इन द क्लास. तो ये छोटी संख्या है तो एन्यूमरेटेड मेथड इसमें यूज किया जा सकता है. लेकिन अगर आप ये कहें कि 1 lakh पीपल अटेंडेड द रैली एड्रेस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर इन दिल्ली, तो अब यहाँ बहुत बड़ी संख्या है, उसका एस्टिमेट करना ही सही है, उसको गणना नहीं की जा सकती है, एन्यूमरेट नहीं किया जा सकता है, इसलिए उसमें एस्टिमेशन का हम यूज़ करते हैं. उसके बाद आता है कलेक्टिंग इन ए सिस्टमैटिक मैनर. जो स्टैटिस्टिक्स है उसको सिस्टमैटिक मैनर से कलेक्ट किया जा सकता है. उसके लिए एक प्लान तैयार किया जाता है और फिर उससे जो सिस्टमैटिक मैनर से कलेक्ट किया जाता है. अगर हैफेजर्ड मैनर से हम उसको कलेक्ट करते हैं तो उसे स्टैटिस्टिक्स नहीं कह सकते. जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि हम किसी स्कूल के या कॉलेज के स्टूडेंट्स के मार्क्स को, सिक्योर्ड मार्क्स को इकट्ठा करते हैं और उसका क्लास कौन सी है, सब्जेक्ट क्या है, एग्जामिनेशन क्या है, मैक्सिमम मार्क्स क्या हैं, उन्हें हम नहीं जानते हैं, तो वो जो स्टैटिस्टिक्स हमने कलेक्ट किया है उससे हम कोई कंक्लूजन नहीं निकाल पाएंगे और वो बेकार है. तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको फीचर्स और या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स बताए थे. थैंक यू. कल मैं आपको कुछ और, यानी इसके आगे चल के इसके टूल्स बताऊँगा. थैंक यू.